वेलकम टू कॉमेडी सर्कस के महाबली अर्चना जी, अरबाज जी, आज हमारे बीच वो आ रहे हैं जो कभी शो पर रोज आते थे, कॉमेडी सर्कस के वो जज जिन्होंने शब्दों के उच्चारण से लेकर हर एक्ट की बारीकी को एक सही जज की तरह परखा। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली हैंडसम एंड डैशिंग शेखर सुमन। श्रुति श्रुति श्रुति, सो गुड टू सी यू। सो गुड टू सी यू टू। तुम अभी तक यही हो? हाँ, मतलब मैं आप ही का इंतजार कर रही थी शेखर जी। रियली? पहले बता देती तो मैं आता ही नहीं। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा सेट कितना बदल गया, अब तो तुम्हारे सेट पे घोड़े आ गए हैं यार। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि पहले तो सिर्फ यहाँ शेर हुआ करते थे। वैसे आप अब तक थे कहाँ? You know how much we missed you, didn't we? झूठ बोले विपुल शाह काटे, निकुल काटे, अर्चना काटे। अरे क्या कह रहे हैं आप शेखर जी, हमने कितनी बार कितने फोन किए, हर बार आपके कस्टमर केयर से एक ही आवाज आती थी कि आप जिस उपभोक्ता को कॉल कर रहे हैं वो इस समय डायरेक्शन में व्यस्त हैं। तो ये डायरेक्शन कैसे हो गया? हर एक्टर के सर पर कभी ना कभी डायरेक्शन का भूत जरूर सवार होता है, एंड आई थिंक इट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एनी एक्टर। मुझे ऐसा लगा कि अब वक्त आ गया है, मुझे एक फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए, एंड आई थॉट ऑफ अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, इट्स एक्चुअली अ रोमांटिक मेडिकल थ्रिलर, सो आई डायरेक्टेड माय फर्स्ट फिल्म कॉल्ड हार्टलेस। लेकिन इससे पहले कि मैं फिल्म के बारे में कुछ और आगे बताऊं, आई वुड वांट टू कॉल ऑन स्टेज टू, लेट मी इंट्रोड्यूस, ये मेरे सुपुत्र अध्ययन सुमन जो कि फिल्म के हीरो हैं, और ये एरियाना, आई एम दिस प्रीटी गर्ल हु इज कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये हार्टलेस की हीरोइनी है। ओके, तो पहले तो ये बताइए कि आप पहली बार इस शो पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स जस्ट लाइक फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अध्ययन। तो एरियाना, आपको न्यूयॉर्क से यहाँ तक खींच लाए, ऐसी क्या बात थी इस फिल्म में? आई थिंक आई एम वेरी लकी टू रिसीव सच रोल एंड इट वाज ग्रेट। डोंट फॉरगेट टू वॉच हार्टलेस फॉर अध्ययन एंड एरियाना। For Adhyan and Ariana, and of course for the directorial debut of Shekhar Suman. अब अफसोस के Ariana की prior commitment की वजह से वो हमारे साथ पूरे शो में नहीं रह पाएंगी, but it's been an absolute pleasure. Thank you. और Shekhar जी कॉमेडी सर्कस के सेट पर आए और जज की सीट पर ना बैठे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो प्लीज ज्वाइन आ जाजे। अध्ययन, एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो। देखो, अब इनके डैड ने फिल्म डायरेक्ट की और उसे एक्टिंग करने को कहा और इसने कर भी ली, लेकिन एक बेटी ऐसी है जो अपनी माँ की बात नहीं मान रही है। ये तो बहुत गलत बात हुई, वैसे उसकी माँ उसे क्या करने बोल रही है? अरे कुछ भी नहीं, सिर्फ कोठे पर डांस करने को बोल रही है। अब देखे ये बेटी नाचती है या अपनी माँ को नचाती है। प्लीज वेलकम भारती एज द वाइफ माँ and Siddharth as various characters. तन्हाई में रोने का मजा ही कुछ और है। वाह वाह। दिल टूटने की वजह ही कुछ और है। वाह। ना आंसू, ना प्यार, ना जिंदगी, ना मौत। जिसे पसंद नहीं उसकी मिमिक्री करने की वजह ही कुछ और है। अरबाज जी बुरा ना मानिएगा। खैर शेखर जी, हां जी, आप डायरेक्टर बन गए हैं। हाँ। तो आपको क्लैप की जरूरत तो पड़ती नहीं होगी, आपके पास खुद का क्लैप है ना? मजाक कर रही, बुरा ना मानिएगा। नहीं माना। एक दिन अरबाज खान आए, आके कहते छोड़ो 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 छोड़ो, सॉरी, इतनी हमारी कमर नहीं घूमती जितनी गर्दन घुमा के चले गए। आज हमारी महफिल में आए सारे हुसन के कदरदानों को मुन्नी बाई का सलाम। हमारी भगवान ने सुन ली, शेखर जी आ गए। शेखर जी हमारे लिए, अध्ययन तुम्हारे लिए। आज तुम यहाँ देखना, आज गहरा अध्ययन होगा। हाय मियाँ, काम के वक्त बच जाता है। हेलो, क्या कह रहे हो? सच्ची में मैं मुंह तोड़ दूंगी अगर झूठ बोला तो। चल रखती हूँ, मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं सज के जाऊं,
बेटी तेरी किस्मत चमकी, फरीदाबाद से नवाब नुन्नू खां आ रहे। नहीं उसको मत बुलाइए, बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी है, नाम देखी नुन्नू। जाके अंदर जाके तैयार हो जाओ, अरे कुछ पैसे मिलेगा तो घर चल जाएगा, नवाब नुन्नू खां। अरे हम किसी और से मोहब्बत करते हैं। है कल मोहित किससे प्यार करती हो? हम कल्लू हलवाई से प्यार करते हैं। कल्लू हलवाई? काहे है उससे शादी कर रही हो, ऐसा क्या है उसमें? उसकी जितनी मर्जी मिमिक्री कर लो, उसे बुरा नहीं लगता। हमें भी मरवाएगी तू? बुरा ना मानेगा? इतना भला आदमी है, बहुत महा। तो जा बेटी, जी ले अपनी जिंदगी बेटा, जा जा। हाय हाय सदके जाओ, इस लौंडी के हर तीसरे दिन किसी के साथ भाग जाती है। हाय हाय शेखर मियां आए हैं आज, इन आंखों की मस्ती के मस्ता, ऐसा लंबा डायलॉग करने की बोलने की आदत नहीं है हमको। फिल्मों में काम ना हो एक डायलॉग मेरे को उसको ही, इन आंखों की मस्ती के ये के वो के ये। लेकिन शेखर मियां याद है ना? अल्लाह ये क्या बार बार ध्यान जा रहा है। लेकिन नहीं, आज पेड़ भी बैठा है और आम भी। लेकिन हम तो आज भी भैया पेड़ से प्यार करते हैं, क्योंकि आम पेड़ ही देता है। शेखर बाबू आए हैं, साथ में आया है अजन, अजन जन 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 अजन जन 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 जन। आप ठीक तो हैं? बहुत बढ़िया, मजे में हैं हम तो। देखा साहब, फरमाइएगा गौर। सफर तो मैंने किया था, वरना तो साजो सामान उसके थे, मैं तो सिर्फ राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। क्या बात है? एक मिनट, वो दरिया में प्यासा बैठा था, कहाँ? दरिया में। वो दरिया में प्यासा बैठा था जब के समंदर तमाम उसके थे। क्या बात है? और यूं तो बजाहिर लोगों में मैंने रिस्क बांटा था। क्या बे, क्या हो गया तेरे? और यूं तो बजाहिर लोगों में मैंने रिस्क बांटा था, लेकिन दर पर्दा सारे हाथ उसके थे। क्या बात है? वो धूप में बैठा है छांव देने को, जबकि दरख्त सारे सायदार उसके थे। क्या बात है? एक मिनट, और यूं तो कमाल बुलंदी बजा के समझे कि चाचा ये तो सारे कमाल उसके थे। वाह। और शेर खत्म। चक्कू मार दो हमको। अरे आइए आइए, खड़े हो जाइए। अरे क्या नुन्नू जी, नुन्नू के कहाँ मार दो मार भाई, ये आप कर क्या रहे हैं? यहाँ सब पागल रहते हैं क्या मोहल्ले में? जो आता है धक्का मार के भाग जाता है। कल जलगन्ना वाले आए हमारे पास आके कहते तुम्हारी कितनी बेगम है, हमने कहा पांच, एक ये बैठी है, चार हमारी ताश के पत्तों में। अच्छा उन्हें इतना गुस्सा आया हमारे जोकर पे लात मार गए। बहुत अच्छा, हमारे जोकर पे लात मार गए, हम तब से टूटा हुआ इक्का लेके घूम रहे हैं। अब उठे, चल निकल यहाँ से, चल चल फुट। अरे अभी नहीं, हम लाए तुम्हारी बेटी के लिए हीरों का हार। हाय हाय आग लगे इस मुई जब जवान को। हार तो दिखाइए जरा, ये देखो हीरो, ऋतिक, ये शाहरुख, ये देखो हीरो का हार है, हीरो है, हीरो का हार। देखिए नुन्नू मियां, हमको ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? एक तो ये है मुसीबत औरतों के साथ बात करने की। अब भैया हम यहाँ जितने बदतमीज कमीने नवाब हैं, हमारे पीछे पीछे तीन घूम रहे, लगातार घूम रहे। हमने कहा देखो ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। कहते हम तो आपसे बात करने आए थे, आपने आइडिया दे दिया। आप जाइए, आपका इधर कुछ नहीं हो सकता, आप निकलिए यहाँ से, चलिए।
ललकारना नहीं हमारी जवानी को। आज भी जिस गली से गुजर जाता हूँ औरतें वहाँ खट्टा खाती हैं। हाय हाय। ओहो। ऐसी इमली बेचता हूँ सब खट्टा खाती हैं खरीद खरीद। चलिए आप जाइए जाइए आपको कुछ नहीं आता निकलिए। तुम्हें हम बचा रहे हैं बढ़िया बात समझ लो। लीजिए ये नंदू बार बार गिर जाते हैं। बेटा गाना तो हम बहुत बढ़िया गाते हैं। ऐसा गाते हैं नाचते नाचते तुम कंटाल जाओगी। ऐसा हो ही नहीं सकता मियां। हमारे शेखू से अच्छा नाच तो किसी ने गाया है ना कोई गाएगा। अरे ये तो सच है लेकिन अब गाना तो हम भी गाएंगे। अब तो शेखर बाबू ही गाएंगे। इतना अच्छा गाया लेकिन हमारे शेखर बाबू से थोड़ा कम। क्यों बेटा मम्मी क्या पूछ रही है जवाब दो। वाह कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस डैड? इस शो के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जब तक इसमें भारती हैं सिद्धार्थ हैं कृष्णा हैं सुदेश हैं मंत्रा हैं राजीव हैं तुम लोग जब तक यहां हो ये शो कभी बंद नहीं कभी बंद नहीं होगा। हम लोग आते जाते रहेंगे शायद नहीं भी रहेंगे तुम लोग हमेशा यहीं पर कायम रहोगे। और सबसे अच्छी बात कि जिस एक्सीलेंस के साथ जिस ब्रिलियंस के साथ तुमने शुरू किया था वही ब्रिलियंस आज भी है। क्या बात है सर। थैंक यू सर। वी आर सो प्राउड टू हैव यू। द होल कंट्री इज प्राउड टू हैव पीपल लाइक यू एक्टर। थैंक यू सर। 10 पॉइंट। थैंक यू सो मच। बस अब तुम लोगों को नंबर्स की जरूरत नहीं है ये 10 नंबर जो है गुदवा लो तुम लोग। ये गुदना होता है ना गुदना गुदवा लो। थैंक यू। तो जजेस ने दिए हैं इस एक्ट को बिंगो यमी जोस टॉप 10। श्रुति आई नो अरबाज बहुत दबंग इंसान है लेकिन आज मुझे उनके लिए बहुत चिंता हो रही है बहुत डर लग रहा है। वो कॉमेडी सर्कस के राइटर्स को साइन करने जा रहे हैं अपनी अगली फिल्म लिखवाने के लिए। अब अरबाज को उनकी स्क्रिप्ट कब मिलेगी ये तो नहीं पता लेकिन उनकी क्या हालत होगी ये हम आपको जरूर दिखा सकते हैं। सो प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश एज कॉमेडी सर्कस के राइटर्स नारा शैंडिलियर एंड नाखुश अरोरा। साला 7 साल से जब भी एंट्री करो गाना लगा देते हैं लोग। साला स्टेज पे तो आने दो मोहन स्टूडियो में आके गाना लगा रहे तुम लोग। अच्छा साला इतना नाम खराब हो गया। कल बैंक में पासबुक में एंट्री कर रहा था वहां मैनेजर ने गाना लगा दिया वहां पर। ये तो अच्छा हुआ जब मैं पैदा हुआ तब ये कॉमेडी सर्कस नहीं था वहां भी एंट्री पे गाना लगा देते। हाँ वो अलग बात है कि मैं डांस करते करते ही पैदा हुआ था वहां सीजेरियन होते मैं डांसेरियन हुआ था। शेखर जी आए शेखर जी क्या टाइम था। क्या एंजॉय किया करते थे हम। एक्ट भले ऊपर नीचे हो जाए लेकिन ह्यूमर पे ये आदमी हमें मार्क्स देता था। यकीन नहीं है अरबाज भाई आप खुद ही देख लीजिए। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा मैं स्तब्ध हूं और मैं निशब्द हूं। इतने टैंडम में काम करते हैं कि गलती ढूंढने पर भी नहीं मिलती। कमाल की जुगलबंदी थी। बहुत 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 बढ़िया किया। अब काले बादल छाए हुए शेखर जी। अरे कहानियां सुनानी पड़ती है कहानियां। अरे जब शेखर जी जज थे तो बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आके कहती थी अरे ये वाला पंच लो शेखर जी को बहुत अच्छा लगेगा ये वाला पंच लो शेखर जी को। अब बुढ़िया आती है ये कहानी सुना दो अरबाज को बड़ा मजा आएगा। ये वाली कहानी अरे 10-12 करोड़ रुपए तो कमाई लिए मैंने 7 सालों में। छोड़ दूंगा कॉमेडी सर्कस क्या लगा के रखा हुआ है। बोल बच्चन की थी मैंने एक और पिक्चर आ रही अपनी ऐसी कोई बात नहीं है। शेखर जी अपने अध्ययन के लिए फिल्म बनाई ऋतिक के लिए राकेश जी बनाते हैं हमारे बाप भी हमारे लिए फिल्म बनाएंगे ऐसी क्या बात। डैडी डैडी अध्ययन के लिए शेखर जी ने फिल्म बनाई है आप मेरे लिए क्या बना रहे हो पकौड़े। अरे एक बोतल दारू लेकर हूं शाम को पकौड़े खाएंगे। अबे ओ
एपी शर्मा देख लूंगा तेरे को घर पे आके। कोई बात नहीं, बाप का नहीं हुआ कोई बात नहीं। भाई अरबाज भाई सलमान भाई के लिए फिल्म बनाते हैं, सोहेल भाई सलमान भाई के लिए फिल्म बनाते हैं, सलमान भाई दोनों के लिए फिल्म करते हैं। जबकि ऐसा हालत हो गई अभी कि सलमान भाई बॉलीवुड के लिए कम गैलेक्सी के लिए ज्यादा फिल्में कर रहे हैं। अपने भाई से बात करता हूँ। हेलो डंपी। हाँ बोल। क्या 10 रुपए का छोटा रिचार्ज करवा दूं तेरे मोबाइल? अबे मोटल्ले, मोदक बन के बैठा रहता सारा दिन घर पे, इससे अच्छा किसी रियलिटी शो का जज बन जा कुत्ते। कोई बात नहीं, ये क्या कर रहा है, हार नहीं मानी, जिसका कोई नहीं उसका मामा होता है। इमरान हाशमी को किससे खड़ा किया? महेश भट्ट साहब। हाँ, इमरान खान को किससे खड़ा किया? आमिर खान ने। अपना मामा भी कम नहीं है बॉस। हेलो। हाँ चीची मामा को फोन दो, सेक्रेटरी। हाँ मीटिंग पे, फिल्म की मीटिंग पे। क्या दूसरे तेल का असाइनमेंट की मीटिंग? कॉमेडी सर्कस से अच्छा शो कोई नहीं है मेरे बॉस। शेखर जी ये मैं सॉरी पूछना भूल गया, इन सब चक्करों में क्या लेंगे आप, ठंडा कुछ गर्म क्या कुछ आपके हिसाब से? कुछ कुछ भी आप देखेंगे, आपने कितना एंजॉय किया। ये दिखाइए, ये भी दिखाइए, पुरानी चीजें दिखाइए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अध्ययन के सामने ये गलत अनुभव दे रहे हो तुम लोग? ऐसे ये सब बातें छोड़ो, मेरा राइटर का है वंकुश। ए कानपुर के नुन्नू क्या पढ़ रहा है बे? जोक। कॉमेडी इज सीरियस मैटर और मैं बहुत सीरियस हूं। आज शूटिंग है हमारी, शूटिंग बता शुरू में क्या होने वाला है? शुरू में सर अर्चना आएगी 8 बजे, सोफे बैठेगी, फिर कुत्ता आएगा, फिर वो नाश्ता करेगी छीन के, फिर पपूंछे लाएगा, फिर श्रुति आएगी कुत्ते को मारेगी, दोनों अंदर। अबे मेरा मतलब है एक्ट में क्या होने वाला है शुरू में? अच्छा एक्ट में? हाँ एक मिनट। एक्ट में आप आएंगे अंदर, सुदेश लहरी दोनों अंदर आएंगे, आपकी एंट्री आएगी, फिर आप बताओ, लिख लेते हैं। यार कितना इरिटेट कर रहा है यार ये आदमी। अच्छा इतने सालों से इरिटेट नहीं, एक एपिसोड के लिए आ गया, तेरे को इरिटेट कर रहा हूँ। हमारा थप्पड़ वो फिल्म की प्रमोशन इतनी बार जिताया हमको, शोर जा तालियां बजाओ उनके लिए। अरे बकवास, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ भाई। साले पान सिंह तोमर, अरे दिन पान खाता रहता, कुछ लिखे को नहीं बताता रहेगा। सर आई एम सॉरी, गुस्सा थूक दो। कहाँ थूकूं, ऑलरेडी तेरे मुंह में इतने लोगों ने थूका हुआ है गुस्सा। बात करता है। सर मैं ना मीरा रोड पे ना घर लिया है मैंने। अच्छा तो थोड़े से पैसे की जरूरत है, आप कर दोगे थोड़ी हेल्प? अच्छा कितने का फ्लैट लिया? 40 लाख का लिया है मैंने। कितनी जरूरत है? 60 लाख दे दो। 60 लाख? नहीं नहीं 40 मैं फ्लैट में दे दूंगा। हाँ। तो 20 आपका वापस भी तो कर दूं, आपको भी थोड़ा विश्वास बन जाएगा कुछ वापस आया। ए बकवास कर रहा है, शूटिंग है, मेरा दिमाग मत पका। ठीक है मैं जाके खुद जो भी कुछ बोलना होगा बोल दूंगा स्टेज के ऊपर, रोज का तो होता है यार। खैर हमारा अंदर एक्ट चल रहा है, देखूं कमेंट्स कैसे चल रहे हैं। इस एक्ट में थोड़ी सी लिखाई में ही कमी थी, लेकिन कृष्णा आपने आज बहुत अच्छा किया। कृष्णा आपने आज कमाल की परफॉर्मेंस दी है, परफेक्ट एक्ट नहीं है लेकिन काबिले तारीफ है। सुदेश आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम थी। कैसे राजू? कुछ नहीं यार, थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ थोड़े दिन तू सीधा चल के देले शायद ठीक हो जाए। यार क्या बकवास कर रहा है यार तू, ये बता तेरा एक्ट कैसा हुआ? एक्ट यार मैंने इतना अच्छा लिखा था फिर भी इज्जत नहीं हुई, कहते मजा नहीं आया जी, मजा नहीं आया, ये क्या मतलब है यार? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यार, मैंने भी मंत्रा की अच्छी नहीं लिखी, मैं यही बहाना लगा दूंगा। लेकिन वैसे वो अर्चना कह रही थी कि स्क्रिप्ट बहुत हल्की थी तेरी। हल्की पता क्यों थी? मैंने कागज पे लिख के दी ना, अगली बार पत्थर पे लिख के दूंगा, पसंद नहीं है तो यही पत्थर मारना मैं। सही बात है यार, सारा हालत खराब कर दी है इन लोगों ने, कुत्ते की तरह रखा हुआ, पैसे नहीं देते, बंगले बनाए। विपुल बैठ यार इधर बैठ।
खाने पीने को कुछ नहीं है। अरे बैठ यार, क्या हो गया? अच्छा इरिटेट करके रखो यार, बैठ। मैं कल कॉमेडी सर का छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अरे यार हौसला रख, इतनी छोटी 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 बातों पे। हाँ हाँ, कल छोड़ सकता हूँ मैं, कोई परवाह नहीं करता इन लोगों की। मैं विपुल जी आगे, विपुल जी। अरे यार मजाक कर रहा हूँ मैं, तू डरता बहुत जल्द। मैं तेरे को सच्ची बताऊं, दिल तो मेरा भी कर रहा है यार कॉमेडी सर्कस छोड़ दूं और अच्छे अच्छे शो चले जाऊं। वहां पे वो हमें पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, बोलते आ जाओ आ जाओ। मैं तो चला जाऊं, पैसे देते भी है वो, एक तो ज्यादा ऊपर से देते हैं वो। वैसे तो तेरे आइडिया भी खत्म हो गए। नहीं नहीं, आइडिया मेरे पास बहुत है, मैं ऐसे से आइडिया दे सकता हूं इनको। मैं पता क्या कह रहा हूं कि हर एक्ट में इनको स्टैंडिंग मिशन मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी कुर्सियां निकाल दो, ये खड़े रहेंगे हर। अरे ये वाला आइडिया तो मेरे दिमाग में आया था यार। हाँ मेरे दिमाग में था, ये मैं करने वाला था। राइटरों का कितना पंगा होता है, वही आइडिया एक दूसरे के दिमाग में आया। अच्छा मैं ये सोच रहा था, तू भी अच्छा लिखता है, मैं भी अच्छा, हम दो ही हैं मेन, बाहर जाके अलग शो कर लें। ये तो मैंने ही सोच रखा था यार, ये भी मेरा ही आइडिया था, मैं ही करने वाला था। मैंने ही सोच कर रखा। अच्छा मेरी एक बहन है, उसको कोठे पे भेज दूं। मेरा भी ये भी आइडिया था। हेलो, काम की बात कर, काम की। शाम को शेखर जी आने वाले हैं, कुछ लिखा तुम लोगों ने? शाम को मैंने यार एक आइडिया लिखा यार, देख ठीक है कि नहीं, एक मिनट। मंत्रा को इंडिया का सिपाही बनाऊंगा, मुबीन को पड़ोसी देश का, ठीक है, दोनों की दोस्ती हो गई, फिर उनके बीच में एक लड़की आएगी, दोनों उनको प्यार करने लगे। तू सटायर लिखता रहता है। अरे क्या यार तुम लोग का कुछ नहीं होना यार, एक मैं ही हूं जो। एक मिनट यार, फोन आ गया मेरा, मेरे प्रोड्यूसर का, एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर, आइडिया है ना सर, एक काम करेंगे, सलमान भाई को इंडिया का सिपाही बना देंगे। हाँ, शाहरुख भाई को पड़ोसी मुल्क का, फिर दोनों की एक दिन दोस्ती हो जाएगी और दीपिका से फिर उनको प्यार हो जाएगा। अच्छा लगा ना सर? और सर मेहनत करते हैं सर, रात भर में बैठा रहा सर लिखने। क्यों बेड़ा कर रहा है मेरा? छोड़ो, तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला, कुछ करो अपनी लाइफ के अंदर, यहीं सड़ते रहोगे, कुछ बाहर जाके काम करो। कितने लाइव शोज करता हूँ मैं बाहर, बाहर चोरी चोरी लिखता भी हूँ बाकी शोज के लिए। करवाओ कुछ, करो अपनी जिंदगी के अंदर, सोचो। वो देख अरबाज भाई आ रहे हैं। ओए ओए, ऐसा करो, ऐसा करो, हम दोनों एटीट्यूड में खड़े रहते जैसे हमें काम की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, इन लोगों के साथ ऐसे ही रहना चाहिए। यार इन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं यार। एक आइडिया है मेरे पास, एक मिनट। अरबाज भाई, अरबाज भाई कैसे? अरबाज भाई हमारे पास बहुत सारी कहानी है अरबाज भाई। तो उसे अपने एक्ट में डालो, कम से कम कहानी वाला एक्ट देखने को मिलेगा। अरे आप कॉमेडी शो में कहाँ कहानियां ढूंढते रहते हैं अरबाज भाई। कहानी है दो भाइयों की, वो लोग मेले में बिछड़ जाते हैं, फिर एक जो है पुलिस वाला बनता है, एक चोर बनता है, फिर एक माँ आती है, फिर उनका फैमिली बन जाती है। एक ऐसी घटिया कहानी है, नहीं पसंद नहीं। हीरोइन भी है इसमें, हीरोइन है ना। हाँ, हीरोइन कॉलेज में है, उसका सीन, वो हीरो को बुलाती सुबह 8 बजे कॉलेज में, और हीरो 12 बजे पहुंचता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, 8 बजे बुलाया ना, 8 बजे आएगा। हीरो सलमान खान है, हीरोइन का बाप भी नहीं बुला सकता 8 बजे। मुझे पसंद नहीं आई, जाओ जाओ तुम। हेलो सलमान भाई, एक बहुत बढ़िया कहानी है, हीरोइन जो है हीरो को 8 बजे स्कूल बुलाती है, बहुत अच्छी कहानी है, मैंने लिखी है। हाँ मैंने लिखी है, कब शुरू करें? पंकुश, पंकुश, मैंने तुझे कहा था ना मेरे साथ रहेगा, बहुत ऊपर जाएगा। मैंने कहा था ना हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, ऊपर भी इकट्ठे जा रहे, जोरदार तालियां हो जाए। के लिए शब्द बाकी नहीं रहा, इतने दिनों तक इतने एड्स हमने देखे। यू आर द बेस्ट दिस कंट्री हैज एवर सीन। और आप चूंकि जोड़ीदार हैं इसलिए
टिट्टू आपके लिए जो मैंने इनके लिए कहा वो यू गाइस अमेजिंग एनर्जी कृष्णा फैंटास्टिक थैंक यू सर कृष्णा वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप्स आई हैव एवर सीन एंड वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज और इतनी एनर्जी के लिए मैं तुम्हें आई वांट टू गिव यू थाउजेंड्स ऑफ मार्क्स वो इतनी एनर्जी के साथ For 15, 20 minutes, you just went on and on and on. Unbridled. Unstoppable. Yes. All the marks to you. All the marks. Best always. So, judges ne diye hai is act ko bingo yummy Joe's top 10. Ek baar Krishna. Aur aisa nahi ho sakta ki adhyan ke saath dance na kare. Request hai ki Vankush ko ek baar bula lijiye jinka Vankush and Raj. Look at Vankush and you and Suresh together, superb. और शेखर जी कमाल की बात ये है अभी Vankush is doing so well इतने बढ़िया बढ़िया एक्ट लिखे हैं राज ने आई थिंक ये कौन सा 350वां एक्ट होगा कि 400वां हमारा एक्ट लिखा होगा आई डोंट नो वाओ आई थिंक दैट डिजर्व्स अ स्टैंडिंग अप्लॉज ये इंटरनेट कितनी अच्छी चीज है जो चीज पसंद नहीं उसे बेच दो अच्छा तो जरा अर्चना को बेचकर दिखाओ दुनिया के किसी कंप्यूटर में इतना स्पेस नहीं है जिसमें आप अर्चना जी को डाउनलोड कर सकते वैसे भी अर्चना मैम तो हमें बहुत पसंद है पर एक शैतान बेटे को अपनी माँ पसंद नहीं थी तो उसने उस पर बेच दिया अच्छा लेकिन आप टेंशन मत लीजिए ऐसे बेटे की क्या हालत होती है ये दिखाने आ रहे हैं मुबीन एज अ बेटा जैमी एज माँ एंड मंत्रा एज हिज पिता चपल उन्माद तरल प्रतिपल पागल तेरा परिचय कॉमेडी सर्कस के दिग्गज जज हिंदी भाषा के सच्चे सुपुत्र शेखर सुमन के लिए शेखर सर आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे शेखर इज बैक मुझे भी बहुत खुशी हो रही है अर्चना जी आपको बहुत याद करेंगे यू विल बी मिस नहीं नहीं अर्चना जी वैसे ये वाला पंच हमने अरबाज भाई के लिए लिखा था लेकिन क्या है ना कि हमारे रिलेशन अभी वहां तक पहुंचे नहीं जितना आपके और हमारे पहुंच चुके हैं अरबाज भाई आपको मालूम नहीं है जब शेखर सर पढ़ाई लिखाई करते थे उस टाइम पे बाकी टाइम पे तो पढ़ लिख लिया करते थे लेकिन जब हिंदी का एग्जाम होती थी तो एग्जामिनर पढ़ता था कि शेखर आ रहा है क्वेश्चन पेपर कैसे बनाओ 2 रुपए की चिंगम खा के निकला चवन्नी छाप ये है हमारे लौंडे हम हैं इनके बाप उम्र हो गई इतनी न जाने कब ये जनाजे पे लेटे मेहनत किसी और की फिर भी हम इनके बेटे तेरी है हम नवाब है ये हमारा जवाब है हमारी बेगम शबाब है और हमारे दादाजी सोचिए इस हिसाब से कौन होंगे नहीं उनका नाम पप्पू है उनको चुकबंदी में ज्यादा शौक नहीं है ए बाप तेरे को जूते खरीदना इंटरनेट पे बहुत बढ़िया जूते का ऐड आया है यार एक तो ये टीवी और इंटरनेट है शेखर भाई लोग इनको इन बच्चों को बर्बाद कर दिया है इतने बड़े बड़े सुपरस्टार लोग ऐड करते हैं कोई मामूली चीज नहीं होती होगी हेमा जी का ऐड आता है ड्रिंक ओनली रेंट प्यूरिफाइंग वाटर अरे वो तो बोलेंगे ना सनी पाजी ने घर के सारे नल नल के उखाड़ दिए होंगे तो पीना ही पड़ेगा रेंट प्यूरिफाइंग वाटर और ऋतिक अंकल का भी ऐड आता है वो भी ना एक चट्टान के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं नीचे पानी पानी रहता है फिर आके ऊपर बोलते हैं अला इज अ फैंटास्टिक ये बता नहीं सकता अला डर के आगे चीज है ये बता नहीं सकता अला जादू क्रिस्टी पापा अला और ऐसा बोल के ना डुबकी मार देते हैं अरे वो डुबकी मारेंगे इसे ही उसके पीछे उनके पापा खड़े क्रिश 4 की स्क्रिप्ट लेके अग्नोट करेंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बताओ इसका मतलब क्या होता है अरे यार ये तुम्हारे और अदरक के बीच की बात है इसमें हमको क्यों लगा ऐसे बोलते हो ऐसा बोलते हो ओ एकदम लाल कर दी आज तो टीचर मेरे को कितना भी मुर्गा बना ले लगूंगा बंदर ही जी सुनते हैं हां हमको तो सुनना ही पड़ेगा हम कौन से सलमान भाई है जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो किसी की सुनेंगे नहीं क्या कहने आई थी क्या आपके पास नहीं आएंगे तो और किसके पास जाएंगे हम तुम्हें से शादी की थी ना हमने चलो अभी सब्जियां काटो चलो इसीलिए तो तुमसे हम बातचीत नहीं करते काम काज पे लगा देती हो मम्मी कैसी हो चुप कर बेशरम बे
मारते ही रहते हैं। काम करता हूँ, ये कबाड़ों को ना बेच ही डालता हूँ मैं ट्विटर पे, twitter.com, सब कुछ बेच डाल। ये अम्मा की फोटो अपलोड और ये अब्बा की, अरे इसको तो अपलोड भी नहीं होने दे रहा, बताओ कैसा बाप है मेरा। और ये सॉल्ट। अबे ओए नाइस पीटे, क्या कंप्यूटर से चिपके पड़े रहते हो, जब देखो जाओ बाहर जाके खेलो। मैंने तुम्हारी बेगम को भेज दी। एक मिनट, मेरी बेगम को भेज दिया, मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने के लिए। मैं कोई फ्रिज हूँ या एसी हूँ जो तुमने मुझे बेच दिया? 10 लाख रुपए मिले हैं। 10 लाख में बेचा तुमने अपनी अम्मा को? 1 करोड़ में नहीं बेच सकता था? 1 करोड़ कौन देगा तुम्हारे? अरे 50 लाख जॉनी लिवर के शो के बावा, और दूसरे 50 लाख आशा भोसले के शो के। हाँ हाँ दोनों कर लेती हूँ। लेकिन इस हिसाब से तो मैं अरबों में बिकना चाहिए। वो कैसे? अरे बेटे 25,000 एक, 25,000 दो, 25,000 तीन, एक बिक गया। 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 तीन, दो बिक गए। 1 लाख एक, 1 लाख दो, 1 लाख तीन, ये भी बिक गया। पचास हजार एक, 50,000 दो, 20,000 में बिक गया मैं भी। तो ये सब घुल मिलाकर कुछ 1-1.5 लाख हुए। करोड़ों कैसे हुए, अरबों कैसे हुए? अभी करोड़ों का प्रोड्यूसर बाकी है। ये क्या कर रहे हो? करोड़ों में 0 लगा रहा हूँ। शर्म, बताओ किसको बेचा तुमने? उस पे एड्रेस है उसका। कौन है वो, किसने खरीदा है मुझे? इसका ईमेल एड्रेस है loveforever123@nawab.com। जब से मैं छोड़ के गया हूँ और इतने दिनों के बाद, एक वक्फे के बाद मैं जब यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं बदला है। जिस तरह से तुम लोग आगे बढ़े हो, इट्स अनइमेजिनेबल। मैं बाहर देख रहा था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आ गया है। सबसे पहले तो मैं उसके लिए तालियां बजाना चाहूँगा। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड आई थिंक। और इतने दिनों के बाद भी हर एक्ट में वही फ्रेशनेस, वही ह्यूमर, वही पैनापन, वो सब कुछ वैसे ही जैसा मैं छोड़ के गया था। और एक्टर्स उससे 100 गुना बेहतर हो गए। मंत्रा, आपने कभी मौका ही नहीं दिया कि इन दोनों की तरफ देखें, और अचानक दे केम इनटू देयर ओन। वो एक छोटी सी हरकत से, वो जॉनी लिवर साहब का जो आपने किया, आशा जी का आपने किया, यू आर सो अमेजिंग ऑल ऑफ यू, दिस वाज एन अमेजिंग एक्ट। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा समझ लीजिए मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूँ। अच्छा लगा है कि शेखर तुम यहाँ आए हो अपने बेटे के साथ। मिस्टर शेखर गिर मत जाना, यहाँ तुम्हें कल फिर है आना। डियर पपलू देखो तो आशा का ये जादू। Fabulous, fabulous. 10 points. 9 points. तो अर्चना ने दिए हैं इस एक्ट को बिंगो यामी चोज़ टॉप 10। आपके फिल्म का गाना सुन रहा था जब आप जी। सर एक बार अगर वो हो जाए गाना, मैं भी सुनना चाहता हूँ। सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी नॉन वेज खाने के बारे में सोच रहा है। अब देखें उसे मुर्गा सस्ता पड़ता है या महंगा। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज गरीब भिखारी अलोंग विद बलराज एज अ मुर्गा। शेखर जी। हां जी सर, माई सेल्फ चिकन। अच्छा अरबाज भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप बैठे हैं तो मैं आ गया, सुहेल भाई होते मैं नहीं आता। क्योंकि क्या है, जब भी वो चिकन देखते हैं ना बिरयानी, कहते चावल मंगाओ बिरयानी बनाए। उन्होंने इतनी बिरयानी खिलाई यहाँ के लोगों को, और ऐसे ऐसे लोगों को बिरयानी खिलाई है ना, इतने कमीने लोग हैं यहाँ के, कढ़ाई के अंदर पैर रख के ना चावल साइड पे करके बोटियां खाते हैं। खैर शेखर जी, आपने तो बहुत मुर्गियां खाई हैं जी, और जहां तक मैंने सुना है हाई क्वालिटी की ज्यादा खाई हैं आपने। शेखर जी की लाइफ का एक ही उसूल है जी, मॉर्निंग में 2 एग, शाम को 2 पैग, और रात में 2 लेग। ये है देखो जी,
मैं तो सेब बोलने वाला था, लेकिन जो बंदा साथ में शेयर करता है उसको पता होता है। शेयर करता है जो बंदा। अर्चना जी आपसे हमको दूरी रहना पसंद है, क्योंकि शेखर जी जब अर्चना जी नॉनवेज देखती है ना तो इनकी जीभ ना क्रिश 3 के विलन से बड़ी हो जाती है। खैर शेखर जी आपने हमें बताया नहीं कि आपको डायरेक्शन का भी शौक है। डायरेक्शन का ही शौक है तो सर पहले बताते हम निकुल देसाई को निकाल देते सर। हमको तो मानना चाहिए उसको निकालने का। सेट पे चाय नहीं आई, निकुल को निकाल दो। ऑडियंस हंस रही है, निकुल को निकाल दो। रिएक्शन ठीक नहीं हो रही, मैंने कहा विपुल निकुल दोनों को निकाल दो। खैर अध्ययन भाई आज आप एंकरिंग कर रहे हैं, देख आपसे एक ही बेनती है कि अच्छी नहीं करना एंकरिंग। अगर आपने एंकरिंग अच्छी कर दी ना तो फिर श्रुति का पत्ता कट जाना है और आपको यहाँ पे स्कर्ट पहन के बैठा बना। और आप देख लो शेखर जी जज जाए बेटे की टांगा पे घूरते छन लगेंगे। खैर अरबाज जी नमस्ते। नमस्ते अर्चना जी नमस्ते। नमस्कार शेखर जी नमस्ते। ये नमस्ते शेखर जी ने निकाली थी पता है, ये नमस्ते नहीं थी। एक दिन एंकर को देख रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे थे, किसी ने देख लिया करते वो। लेकिन सर वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, ये तो सबका अंदाज था, आपका अंदाजे बयां कुछ और है। तो देखो सामने से भी आया अंदाजे बयां। मैं ढूंढ रहा था वो एपिसोड जिसमें मैंने किया। मुझे मिला नहीं, आपने मेरे नाम पे इजाद कर दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको मिला नहीं? नहीं सर, हर एपिसोड देखिए मिल जाएगा। सर हम दुआ करते हैं कि जिस दिल से आपने फिल्म बनाई है मूवर एंड शेकर्स की तरह हिट जाए ये फिल्म आपकी। वाह थैंक यू। लेडी गागा। ये लेडी गागा नहीं, मैं मुर्गा हूँ। चुप करके ना, मुझे एक सभ्य सुशील मुर्गा पैक करके दो। वेरी गुड। आपने मुर्गा खाना कि बहन की शादी करानी उससे? बताओ कितने पैसे तेरे पास? मेरे पास 100 रुपए, उसकी भी एक जीरो गिर गई है। साले उसको 10 रुपए बोलते हैं। 500 रुपए इंस्टॉलमेंट में भर दे। पर एक बात बता मुझे, तूने मुझे रात को बना के खा जाना है। अगर तूने मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी मैं तेरा क्या उखाड़ लूंगा यार। तू सुबह निकल जाना। 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, ये भीख में तो इतना ही मिलता है ना। तो फिर घर कैसे चलता है यार? नहीं नहीं कहीं मिल जाते हैं बड़े दिल वाले। अर्चना जी ने दिए थे मुझे 5000 रुपया। 5000 रुपए भिखारी को? हाँ, कहती मेरे इलाके में नहीं मांगना, ये सारा इलाका मेरा, दफा हो यहाँ से। भीख भी मांगती है? भीख ही मांगती है। एक बात बता। हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ। क्यों यार कोमा में पता नहीं चलता। तू कोमा में है? बस कोमा में ही हूँ मैं, फुल स्टॉप लगने वाला मेरे ऊपर। ना बोल ऐसे ना बोल, मेरा 500 रुपया लगा तेरे पे, पॉजिटिव बोल। पॉजिटिव सबसे गंदी बीमारी तो वो है। देखो कितनी बीमारियां नॉन वेज को, कितनी। आप नॉन वेज खाते रहे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सिर्फ वेज खाओ, हरी सब्जियां, सेहत बनती है, आदमी फिट रहता है। देखा शेखर जी कितनी गंदी एक्टिंग करके मैंने अपनी और अपनी कौम की जान बचा ली। आज पूरा जश्न का माहौल होगा। मैं तो कहता सर जी आप अपनी हार्टलेस को ना ग्रैंड सक्सेस बनाओ, चिकन की सप्लाई हमारी तरफ से। इतने अच्छे अच्छे तुम लोगों ने परफॉर्मेंसेस दिए हैं पहले कि तुम लोगों के लिए 100 खून माफ है। और यही कहना चाहूंगा तुम लोग भी इस शो की शान। इंडिया को लाफ्टर कहाँ मिलेगा ये हम सब जानते हैं, लाफ्टर की होम डिलीवरी ऐसे ही चलते रहेगी। और वो भी ना खरीदना ना बेचना, हंसी कमाल फ्री मिलेगा। ओनली ऑन बिंगो यमी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली।